सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड बटन से और बाद में बेल आइकन दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर ज्ञान पर। दोस्तों, इस बार हम आपके लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की एक और नई भर्ती की अपडेट लेकर आए हैं, जिसके तहत यहाँ पर GNM और NM के 11,233 खाली पदों पर भर्ती होने जा रही है। पहली वर्षगांठ पर ही सरकार ने तोहफा दे दिया है। ऑल इंडिया के वैकेंसीज हैं, सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स भारत के किसी भी राज्य से इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस भर्ती पर आवेदन करने के लिए क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, कैसे आप इस भर्ती के ऑफिशियल नोटिस की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो, इन सब चीज़ों की पूरी जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ। इस वीडियो को अंत तक देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस भर्ती की पूरी जानकारी। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत ये भर्ती निकली है, जहां पर पोस्ट के नाम है ANM और GNM। वैकेंसीज की अगर बात की जाए तो यहां पर 11,233 वैकेंसीज हैं, जिनके लिए आपसे आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो कैंडिडेट का कम से कम 12वीं क्लास पास होना जरूरी है, प्लस उनके पास ANM या फिर GNM का डिप्लोमा होना भी आवश्यक है इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए। आयु सीमा यहाँ पर आपकी मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 40 साल रखी गई है। सैलरी आपको 25,000 से 35,000 के बीच में प्रति माह के रूप में प्रोवाइड करा दी जाएगी। फीस आपको इस भर्ती पर जमा नहीं करानी है, बिल्कुल फ्री आप आवेदन कर सकते हो। सिलेक्शन यहाँ पर आपका रिटर्न टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। ऑनलाइन आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। वेबसाइट है rajswasthya.nic.in। डेट्स की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो इस भर्ती की सभी डेट्स जल्द ही घोषित कर दी जाएंगी। अब हम आपको इस भर्ती की ऑफिशियल न्यूज़ दिखा दें। जी हाँ दोस्तों, पहली वर्षगांठ पर सरकार का तोहफा आ चुका है। GNM और ANM के 11,233 पद फिर से सृजित होने जा रहे हैं, यानी कि इन पदों पर भर्ती होने जा रही है। राज्य की कांग्रेस सरकार ने अपनी पहली वर्षगांठ से पहले बेरोजगार युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है। भाजपा सरकार के समय खत्म किए गए NERS ग्रेड 2 और ANM के 11,233 पदों को पुनः सृजित कर दिया गया है। साथ ही 2018 की तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 2 तहत रिक्त रहे पदों को भरने के लिए संशोधित वरीयता सूची जारी होनी जा रही है। GNM और ANM के 11,233 पदों को कांग्रेस सरकार के पिछले कार्यकाल में सृजित किया गया था। दोनों भर्तियां पूर्ण करने के लिए राज्य सरकार ने सोमवार को ऊर्जा मंत्री BD कल्ला की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी गठित की है। कमेटी इन भर्तियों से जुड़े विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों की मांगों पर सुनवाई और परीक्षण करेगी। इसके बाद राज्य सरकार को रिपोर्ट देगी। सब कमेटी का प्रशासनिक विभाग कार्मिक विभाग होगा। तो दोस्तों, ये थी GNM और ANM के इस भर्ती की पूरी जानकारी। इसके बाद भी दोस्तों, अगर आपको इस भर्ती के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट के इस पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर जाकर आप डायरेक्टली इस भर्ती के ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट की PDF को ओपन करके पूरी डिटेल आप उसमें से रीड कर सकते हो। प्लस यहीं पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी प्रोवाइड कराया गया है, जिसके माध्यम से आप सिंपल इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। साथ ही साथ दोस्तों, अगर अभी आपके मन में इस भर्ती से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और अंत में दोस्तों, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम डेली बेसिस पे आपके लिए ऐसी ही बिग गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट अपने इस चैनल पर अपलोड करते हैं।